वहीं आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर है। अगस्त महीने में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 7% पर पहुंच गई है, जबकि जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% रही थी। खाद्य महंगाई दर में हुई बढ़ोतरी का असर हुआ है। अगस्त में खाद्य महंगाई दर मंथली आधार पर 6.69% से बढ़कर 7.62% पर पहुंच गई है। दूसरी ओर आईआईपी यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मोर्चे पर बुरी खबर है। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ गिरकर 2.4% पर पहुंच गई। पिछले साल जुलाई में आईआईपी ग्रोथ 11.5% रही थी। सालाना आधार पर जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 10.5% से घटकर 3.2% पर आ गई है। और इस खबर को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ये एक तरह से बुरी खबर है, और जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो इन सब का सीधा ताल्लुक जॉब क्रिएशन और इकोनॉमी के एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ने से सीधा इसका ताल्लुक जुड़ा होता है। जरा बताएं, वाकई ये आंकड़े निराशाजनक है? देखिए, लगातार आठवां महीना है जहां पर जो महंगाई का आंकड़ा है वो रिजर्व बैंक के जो टारगेट है उससे ज्यादा है, यानी रिजर्व बैंक का जो टारगेट है प्लस माइनस 4% का, यानी 2% से लेकर 6% का रिजर्व बैंक का जो टारगेट है उससे महंगाई दर है, लगातार आठवें महीने जो है वो ज्यादा आई है उसको तोड़ते हुए। और इस बार तो अगस्त के अंदर सीपीआई दर 6.71% से बढ़ के 7% पर पहुंच गई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो आरबीआई ने पिछली 3 बार दरें बढ़ाई है लेकिन अभी भी महंगाई जो है वो काबू में नहीं है, और जो अगली पॉलिसी होगी वहां पर ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करना आरबीआई के लिए जरूरी हो जाएगा। अगर मैं डिटेल वाइज देखूं तो खाने कोर महंगाई दर है वो 5.8% से बढ़ के 5.9% हो गई है। खाने पीने की महंगाई दर है 6.69% से बढ़कर 7.62% हो गई है। इसके अलावा ग्रामीण महंगाई दर, शहरी महंगाई दर, यहां पर भी बढ़ोतरी देखी गई है। अगस्त में ग्रामीण महंगाई दर 7.15% और शहरी महंगाई दर 6.72% है, यानी तमाम सेगमेंट में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके बावजूद भी जैसा हमने देखा था कि अगस्त के अंदर जो है आखिर के हफ्ते के अंदर जो गेहूं की वगैरह एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया था, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों की महंगाई दर देखें तो वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 10.9% से बढ़कर 13.23% हो गई, यानी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और दूसरे फंड पे अगर आईआईपी के आंकड़ों पर भी नजर डाले सालाना आधार पर, तो जुलाई के अंदर जो आईआईपी आंकड़ा आया है वो 2.4% आया है, पिछले साल के 11.5% से घटकर 2.4%। इसमें इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ जो है उसमें बड़ी गिरावट हुई है, 2.3% पे पहुंच गई है 11% से। फिर माइनिंग ग्रोथ है वो नेगेटिव में आ गई है 19.5% से। इसके अलावा कैपिटल गुड्स की जो ग्रोथ है जो 30% थी पिछले साल वो घटकर 5.8% हो गई। इसके अलावा नॉन ड्यूरेबल ग्रोथ है वो नेगेटिव में थी और अभी भी नेगेटिव में ही है 2%। तो मोटा मोटा इसका असर यही देखने को मिलेगा आने वाले महीने में कि जो रिजर्व बैंक पे और दबाव होगा महंगाई को काबू करने के लिए, क्योंकि आठवां महीना है जहां पर रिजर्व बैंक का जो टारगेट है 2 से 6% उससे महंगाई ज्यादा है। 3 बार रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुका है इस वित्त वर्ष के अंदर 140 बेसिस पॉइंट, और जो अब अगली पॉलिसी है इस महीने के एंड में वहां पर रिजर्व बैंक के ऊपर और दबाव होगा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का, क्योंकि महंगाई जो है अभी भी रिजर्व बैंक के लक्ष्य से काफी ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए अनुराग आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।